जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चरण शुरू कर रहे हैं और आज की इस लाइव चर्चा कैसे प्राप्त होती है आज का विषय है योगी को परम गति कैसे प्राप्त होती है आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे तो इस विषय को हम कल जो विषय लिया गया कि योग भ्रष्ट भ्रष्ट योगी का पुनर्जन्म किस प्रकार होता है कैसे होता है इस विषय पर हमने गहन चर्चा कल की थी और आज कि वही भ्रष्ट आरंभिक अवस्था में हर योग साधना करने वाला साधक भ्रष्ट होता है तो इसमें चिंतित नहीं होना चाहिए इसमें व्याकुल नहीं होना चाहिए इसमें परेशान नहीं होना चाहिए शुरू करेगा तो प्रारंभ में उसका विचलित होना स्वाभाविक है तो प्रारंभ में उसका विचलित होना स्वाभाविक है प्रारंभ में तो योगी विचलित होता ही है तो किसी का भ्रष्ट योगी बनना कोई ऐसा विषय नहीं है कि वो नहीं हो सकता है इसकी बहुत हद तक संभावना है कि वो भ्रष्ट हो सकता है इसकी काफी संभावना है कि योगी भ्रष्ट हो सकता है प्रारंभिक अवस्था में उसके भ्रष्ट होने की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं तो हमें यह विषय थोड़ा समझना चाहिए कि भ्रष्ट होना एक स्वाभाविक सी प्राकृतिक क्रिया ही है लेकिन वही योगी जो भ्रष्ट होता है बाद में अपनी ही योग साधना के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त करने के बाद जब उसका दोबारा जन्म होता है पुनर्जन्म होता है तो वह योगी जो है श्रीमानों के घर में जन्म लेता है श्रीमानों के घर में अर्थात श्रेष्ठ लोगों के घर में योगियों के घर में पुण्य आत्माओं के घर में ही ऐसे योगी का जन्म हो पाता है तो यह जन्म होना योगी का इस प्रकार से जन्म होना श्रीमानों के घर में पुण्य आत्माओं लेकिन जल्दी ही इसका समाधान होगा और यह विषय इस पर हम चर्चा उत्पन्न हो रहा था कनेक्शन प्रॉब्लम जिसके कारण बीच में आपने व्यवधान एक महसूस किया इस कार्यक्रम में लेकिन फिर से अब हम जुड़ गए हैं और यह कार्यक्रम अब आगे बढ़ेगा तो आज का जो हमारा विषय है योगी को परम गति कैसे प्राप्त होती है श्रीमद् भगवद गीता तो योगी को परम गति पीछे जो हमने व्याख्यान में जो चर्चा किया वह यह था कि एक भ्रष्ट योगी जो योग मार्ग से विचलित हो गया है मोहित हो गया है उसका योग कभी व्यर्थ नहीं जाता हो गया फिर भी उसने जितना भी योग साधना की है उसके द्वारा की गई साधना उसके द्वारा किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका जो अगला जन्म है वो श्रीमानों के घर में अर्थात पुण्य आत्माओं के घर में उसका जन्म होगा एक दिव्य जन्म को वो प्राप्त करेगा और ऐसा जन्म बड़े ही सौभाग्य से होता है भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से इस बात को श्रीमद् भगवद गीता में बता रहे हैं और समझा रहे हैं तो विशेष रूप से योगी को ऐसा जन्म प्राप्त होता है तो श्री कृष्ण कहते हैं अथवा योगी नामेव भवती धीमताम एक दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम अथवा वैराग्यवान योगभ्रष्ट भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है और इस प्रकार का जो यह जन्म है संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है ऐसा जन्म होना निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है यह समझना चाहिए तो ऐसा जन्म योगी को प्राप्त होता है यदि वो अपने योग को पूर्ण नहीं कर पाता साथ ही यह बात भी समझ लेना है कि भला हम योग भ्रष्ट हो ही क्यों हम योग से विचलित हो ही क्यों मोहित हो ही क्यों मोहित और विचलित होकर हम भ्रष्ट हो क्यों हो हमें नहीं होना चाहिए भ्रष्ट लेकिन यह भी है कि जिसने नई नई शुरुआत की है संभवता वह योग भ्रष्ट हो जाए संभवता वह विचलित हो जाए संभवता वह मोहित हो जाए लेकिन फिर भी उसका प्रयास कभी रुकना नहीं चाहिए प्रयास करने वाला योगी ईमानदारी से प्रयास करने वाला साधक ईमानदारी से प्रयास करने वाला योगी निश्चय ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है लेकिन यदि वो योग भ्रष्ट होता है तो भी उसने जितना योग किया जितनी साधना की वह व्यर्थ नहीं जाएगा या फिर उसने सिद्धि को प्राप्त नहीं किया और सिद्धि प्राप्ति से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई तो भी उसका योग व्यर्थ नहीं जाएगा और वह श्रीमानों के घर में जन्म लेगा ऐसा जो जन्म है वह दुर्लभ जन्म कहलाता है या दुर्लभ जन्म कहलाता है इसलिए हे अर्जुन वहां पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाएगी अर्थात पिछले जन्म में जो उसकी साधन संपत्ति है साधन संपत्ति का अर्थ क्या है योग साधना की जो संपत्ति है योग साधना रूपी जो संस्कार हैं और जो साधन है जो उसे संपत्ति उसे संपत्ति कहा जा रहा है एक संपत्ति जो धन वैभव बैंक बैलेंस और लोग बहुत कुछ जमीन जायदाद सोना चांदी बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं लेकिन एक संपत्ति साधना की संपत्ति है तो श्री भगवान यहां पर कहते हैं कि जो साधन संपत्ति है युग की जो संपत्ति है वो उसे जो बुद्धि संयोगम हे कुरुनंदन वहां पर उसको पहले मनुष्य जन्म की तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पार्वदेहिकम पहले शरीर में पिछले जन्म में जो उसकी जो बुद्धि संयोग है योग में जो उसकी बुद्धि संयोग है बुद्धि में जो संस्कार हैं कि उसने योग किया था पिछले जन्मों में योग साधना की थी वो उसके साथ ही आ जाएगा यदि आपने कभी श्री श्यामाचरण लाहड़ी महाशय की जीवनी पढ़ी हो यदि आपने कभी श्यामाचरण श्री, श्री लाहड़ी महाशय की जीवनी यदि आपने पढ़ी हो तो आप निश्चय ही उनके पिछले जन्मों की कथा भी बताई जाती है कि कैसे वो पिछले जन्मों में बहुत बड़े योगी थे तपस्वी थे फिर उन्होंने जन्म लिया योग के प्रचार के लिए लोगों के कल्याण के लिए उनका फिर से मनुष्य शरीर उन्होंने धारण किया तो इस प्रकार से योगी अपनी पिछली साधना से प्रभावित होकर नूतन शरीर धारण करता है तर्त तम बुद्धि संयोगम लभते पार्वदेहिकम यतते चतत भूतो भूय संसिधुरुनंदना उसी बुद्धि संयोग से उसी साधन संपत्ति को प्राप्त हो जाता है और उससे संसिध साधन की सिद्धि के विषय में पुनः यत्न करता है दोबारा यत्न करता है तो पहले जन्म में उसने यत्न किया थोड़ी सी साधन संपत्ति को एकत्र किया और अगले जन्म में वो साधन संपत्ति जाएगी साथ में वह बुद्धि संयोग जो योग का जो संस्कार बना है वो जाएगा और उसी संस्कार से प्रेरित होकर फिर साधना शुरू करेगा हो सकता है कि इस बार भी उसे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो।, हो सकता है कि इस बार भी वो योग सिद्धि को प्राप्त ना कर पाए और हो सकता है कि इस बार भी वह विचलित हो जाए मोहित हो जाए और योग भ्रष्ट हो जाए इसकी संभावनाएं दोबारा बन सकती हैं और दोबारा हो सकता है फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है फिर भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि ऐसा होता है कि दोबारा से पिछले जन्मों के संस्कार मिलने के बाद भी अगर दोबारा योग भ्रष्ट होता है दोबारा विचलित होता है लेकिन उस जन्म में भी उसने जितनी साधना की है पूर्व अभ्यास ने योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य या साधक भोगों के परवश होता हुआ भी यदि वो भोगों के परवश हो गया था उसके बाद भी पहले मनुष्य जन्म में किए हुए योग का अभ्यास के कारण पूर्व अभ्यास पूर्व अभ्यास शब्द ब्रह्माति वर्तते। पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट साधक योगी साधक परवश होता हुआ भी अपने पिछले जन्मों के अभ्यास के कारण वह योग की ओर खिंचा हुआ चला आएगा जैसे कि राजा भर्तहरि जैसे कि राजा ययाति जैसे कि महात्मा बुद्ध इनका जीवन कैसा था इनके प्रारंभिक जीवन को आप देखेंगे तो भोगों से परिपूर्ण था यह भोग में लिप्त रहे लेकिन बाद में फिर सब कुछ छोड़ योग की ओर चल पड़े राजा याति इतने भोग में लिप्त कि अपने छोटे पुत्र की जवानी मांग ली उन्होंने भोगों को भोगने के लिए अप्सराओं के साथ विहार करने के लिए भरतरी हरि ने विवाह किए कई फिर अंत में आंखें खुली तो योग की ओर चल पड़े क्योंकि पिछले जन्मों का योग अभ्यास के संस्कार थे भले भोग के वश में हो गए भगवान बुद्ध महात्मा बुद्ध उनके पिता ने उनके जीवन को भोगों से भर दिया संसार के सारे भोग दे दिए, छूट दी कि तुम मदिरा पान करो तुम वैश्या गमन करो पूरी खुली छूट दी गई सिद्धार्थ गौतम को यहां तक कि उनको मदिरालय भेजा गया उनको वैश्यालय भेजा गया नृतंगनाओं के पास भेजा गया लेकिन फिर भी एक समय आया और तथागत चल पड़े सब कुछ छोड़कर ज्ञान की खोज में सत्य की खोज में तो पिछले जन्मों का जो संस्कार है यहां पर एक अगर हम योगियों की कहानियां देखें जीवन देखें जीवनी को जानने और समझने की कोशिश करें तो उसमें आपको ऐसी कई घटनाएं मिलेंगी ऐसी कई घटनाएं मिलेंगी तो वही भगवान यहां पर लिख रहे हैं कि पूर्व अभ्यास अपी सह ब्रह्माति वर्तते कि वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट योगी साधक भोगों के वशीभूत होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म के किए हुए अभ्यास के कारण ही वह योग मार्ग पर खिंचा चला आता है क्योंकि योग का जिज्ञासु भी योग का जिज्ञासु भी वह शब्द ब्रह्माति वर्तते अर्थात कि वह शब्द ब्रह्म का भी अतिक्रमण कर सकता है अर्थात कि शब्द कहने का मतलब क्षर और अक्षर ब्रह्म की चर्चा होती है शब्द और निःशब्द निःशब्द अक्षर है और शब्द क्षर है क्षर कहने का मतलब यह संसार जिसका क्षर संभव है जिसका विनाश संभव है तो उस शब्द से भी परे जाकर शून्य में स्थापित होने की उ, उसका सामर्थ्य होता है भले ही वो भोगों में वशीभूत दिखाई दे रहा हो भले ऐसा लग रहा हो कि वो भोगों में वश भोगों के वश है लेकिन फिर भी वह उतना सामर्थ्य रखता है वैसा योगी वो हो जाता है क्योंकि पिछले जन्मों की जो साधना संपत्ति है वो उसके साथ जुड़ी हुई है अगर आपको कोई दिखाई दे इसीलिए बड़े मुश्किल से ऐसे योग बनते हैं यदि कोई आपको दिखाई दे जैसे कि राजा जनक कोई ऐसा योगी जो बड़ा ही सामान्य जीवन जी रहा हो फिर भी योग की ऊंचाइयों को छूने में सफल हो रहा हो हालांकि बाहर से समझने वाली ये सब बातें नहीं है लेकिन बड़ा ही सामान्य जीवन जी रहा हो और फिर भी युग की ऊंचाइयों को छूने में सफल हो रहा हो तो पिछले जन्मों की साधना संपत्ति उसके पास है साधना संपत्ति एक संपत्ति जो आप इकट्ठा करते हो बैंक का बैलेंस है जमीन जायदाद है और बहुत सारी चीजें हैं और एक यह साधना संपत्ति है और कई बार इस साधना संपत्ति के साथ राजा महाराजा जन्म लेते हैं विक्रमादित्य जैसे राजा अशोक की कथा हम सुने सम्राट अशोक की कथा कहानी हम सुने तो वह क्या था राजा होने के बाद भी एक भोग वृत्ति एक महत्वाकांक्षा पूरी दुनिया को जीतने की सम्राट अशोक के अंदर थी युद्ध के बल पर तलवार के दम पर शासन करने की लेकिन अचानक से कुछ बातें समझ में आ गई और साधना के मार्ग पर प्रवृत्त हो गए राजा भर, भरतरी हरि राजा पीपा राजा भोज जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र का भाष्य दिया भोज वृत्ति के नाम से तो ऐसे राजा महाराजा भी वो राजा होकर भी सभी भोगों से संपन्न होकर भी वो उस ब्रह्म में लीन होने की यात्रा में पिछले कई जन्मों से चल रहे होते हैं इसीलिए वो भोगों के बीच में रहने के बाद भी अपनी योग में वो लगे रहते हैं क्योंकि उनकी पिछले जन्मों की ऐसी साधना संपत्ति होती है कि जरूरी नहीं कि वो पहाड़ों में जाएंगे गुफा में जाएंगे उस साधना संपत्ति के दम पर वह अपनी योग को भी आगे बढ़ा लेते हैं तो यह मेल बड़ा ही दुर्लभ होता है कि किसी के जीवन में आपको ऐसा दिखाई दे कि वह सांसारिक भोगों से भी संपन्न है और योग से भी संपन्न है और यह तभी संभव है जब पिछले जन्मों की साधना संपत्ति हो तो भगवान यहां पर एक बहुत बड़ा रहस्य प्रकट कर रहे हैं इसीलिए किसी योगी के पास जब हमें जाना है तो फिर उसके योग के ज्ञान को देखना है ना कि बाहरी वेश को सुखदेव मुनि जब राजा जनक के पास पहली बार गए उनको संशय हो गया कि भला ये राजा मुझे क्या ज्ञान दे सकता है लेकिन सुखदेव मुनि को फिर वहां से जब लौटकर अपने पिता के पास पहुंचे तो पिताश्री ने फिर समझाया तुझे अभी पता ही क्या है योग के विषय में अध्यात्म के विषय में या तत्व ज्ञान के विषय में जब तुम ज्ञान लेने गए थे तो तुम्हें शिष्य बनकर जाना चाहिए था ज्ञान देने तो तुम गए नहीं थे तो यह बड़ा ही दुर्लभ संजोग बनता है योगी के जीवन में और भगवान श्रीकृष्ण बड़े ही अच्छे ढंग से इस रहस्य को प्रस्तुत कर रहे हैं चौवालीसवें श्लोक में तो हम बयालीसवें श्लोक से हम देख रहे हैं समझ रहे हैं इस बात को और इसी तथ्य को समझाते हुए तो पहले भगवान ने कहा कि भाई देखो कि योगी जो भ्रष्ट भी हो गया है उसका भी जन्म श्रीमानों के घर में हो जाता है और अगले जन्म में जब वो जन्म लेगा तैतालीसवें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब वो श्रीमानों के घर में जन्म लेगा तो उसके पिछले जन्म की जो साधना संपत्ति है जो बुद्धि संयोग है वो उसे इस जन्म में प्राप्त हो जाएगा और जब उसे वो इस जन्म में प्राप्त हो जाएगा तो अब जो है अब क्या होगा फिर पूर्व अभ्यास ने नृयते है वशो अपी अपी शब्द ब्रह्माति वर्तते वह परवश अवश अवश मतलब परवश होता हुआ भोगों के वशीभूत दिखता हुआ भी पिछले जन्म की साधना संपत्ति होने के कारण पिछले जन्म में पूर्व अभ्यासेन पूर्व का जो अभ्यास है पहले का जो अभ्यास है वो साधना संपत्ति होने के कारण वह अपने आप योग की ओर खिंचा चला आएगा चाहे उसने तीन विवाह किए हो भरतरी हरि राजा भरतरी हरि की तरह चाहे उसने भोगों में लिप्त दिखाई दे रहा हो राजा याति की तरह एक समय आने पर वो अपने आप खिंचा हुआ चल पड़ेगा या फिर वो हो सकता है कि संसारिक रूप से दिखाई देते हुए भी जहां पर एक साधारण मनुष्य के लिए सांसारिक माहौल में योग साधना कर पाना कठिन होता है उसके लिए सरल होगा बड़ी सरलता से वो योग की ऊंचाइयों को छूने लगेगा और बिना कोई कुछ तैयारी विशेष तैयारी किए क्योंकि पिछले जन्मों की साधना संपत्ति उसके पास होती है और जब वो होती है तो ऐसा योग दिखाई देता है ऐसी चीजें जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं तो परवश होता हुआ भी वह पूर्व अभ्यासेन, पूर्व के अभ्यास के कारण वह योग मार्ग पर खींचा हुआ चला आएगा और योग का जिज्ञासु भी ऐसा जिज्ञासु भी ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ऐसा योगी व्यक्ति वह संसार का अतिक्रमण कर जाएगा क्योंकि उसके पिछले जन्मों की साधना संपत्ति अच्छी है बैंक बैलेंस पिछले जन्मों का बहुत अच्छा है पुण्य कर्म भी हैं और साथ में योग बल भी उसे प्राप्त हो गया पिछले जन्मों का जब दोनों मिल जाता है तो यह प्राप्त होता है इसीलिए अगर परलोक सवारना है अगर अपना आगे का जन्म संवारना है आगे का समय सही करना है तो बहुत जरूरी है कि आप निरंतर अभ्यास में लगे रहें कभी भी अभ्यास का त्याग ना करें किसी भी परिस्थिति में अभ्यास को ना छोड़ें शनै शनै अभ्यास में लगे रहें फल ना भी मिलता हुआ दिखाई दे तो भी डेली कम से कम ध्यान योग में आप एक डेढ़ घंटे का समय अवश्य दें कुछ ना हुआ कम से कम साधना संपत्ति तो एकत्र होगी बैंक बैलेंस तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा और वो साथ में जाएगा अब तक हमने ऐसा बैलेंस की बात कर रहे थे कि बैंक बैलेंस तो साथ में जाएगा नहीं लेकिन ये जो साधना संपत्ति वाली जो बैंक बैलेंस है वो तो साथ में जाएगी ही जाएगी वो जो साधना संपत्ति वाली बैंक बैलेंस है वो तो साथ में जाएगी ही जाएगी इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इसीलिए बिना कुछ सोचे बिना कुछ ज्यादा विचार किए हमें योग साधना के मार्ग पर चलते रहना चाहिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बच बचता है हमारे पास हमें चलना चाहिए यथा संभव। जितना हमसे संभव हो सकता है उतना हमें ध्यान योग के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि बढ़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं होता कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं होता तो हमें योग साधना के मार्ग पर निश्चय ही बढ़ना चाहिए यही एक विकल्प है दूसरा क्या विकल्प हो सकता है तो जरूर यह विचारणीय तथ्य है हमें विचार करना चाहिए और भगवान बहुत बड़ा रहस्य यहां पर प्रकट कर रहे हैं और अब इसी प्रकार अब इसी प्रकार क्या होगा प्रयत्न करते हुए प्रत्यनाद प्रयत्न आदतमानस्तु योग संशुद्ध किलबिश अनेक जन्म ये स्तौ संशुधा प्रयत्नाशुधा तो प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ना चाहिए तू योगी प्रयत्नात यत्मान संशुदा किलिश जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और जो अनेक जन्मों से सिद्ध होता हुआ आगे बढ़ता है तो वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है यही परम गति को प्राप्त करने का तरीका है योगी को परम गति कैसे प्राप्त होगी योगी को परम गति कब प्राप्त होगी यह प्रश्न है ना कितना समय लग जाएगा कोई समय निश्चित नहीं है आपकी साधना कैसी है उस पर निर्भर करता है सबको वो रास्ता तय करना है लेकिन अभ्यास कैसा है अगर अभ्यास परिपक्व रूप से आगे बढ़ रहा है चल रहा है बस चलते जाइए चरय व्यती चरय व्यती सिद्धि कब मिलेगी मोक्ष कब मिलेगा आप अपनी इच्छा शक्ति का पूर्ण प्रयास कीजिए लगाइए अपनी इच्छा शक्ति और साधना कीजिए लेकिन लेकिन जो भी आप साधन करेंगे जो भी आप ध्यान योग करेंगे जो भी अभ्यास करेंगे उससे एक संपत्ति साधना संपत्ति या साधन संपत्ति एकत्र होती चली जाएगी अगर मोक्ष नहीं मिला अगर लक्ष्य की प्राप्ति इस जन्म में ना हो पाई तो इतना निश्चय लाभ होगा आपको कि आपकी के द्वारा की गई जो साधना है और वह जो साधना संपत्ति है वो आपको अगले जन्म में जरूर प्राप्त हो जाएगा इसलिए बिना चिंतन किए बिना चिंता किए बिना टेंशन लिए कुछ लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिक भी होते हैं मुझे संपर्क करते हैं कि मुझे इसी जन्म में मोक्ष चाहिए मुझे अब अगला जन्म नहीं चाहिए बहुत अच्छी बात है आपकी बहुत अच्छी श्रद्धा है आप मुमुक्षु हैं लेकिन इसका उपाय भी यही है कि प्रयासरत बने रहें और चिंता ना करें अगर अगला जन्म हुआ भी तो उस साधना संपत्ति के साथ होगा उस साधना संपत्ति के साथ ही वो अगला जन्म होगा इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है निश्चय ही लाभ प्राप्त होगा लाभान्वित होंगे आप आवश्यकता है निरंतर ध्यान योग के अभ्यास में लगे रहना यथा संभव इसका मतलब यह नहीं कि संसारी कर्म नहीं करना है संसारी कर्म तो आपको जो कर्तव्य रूप में सामने है वो करना है लेकिन साथ ही साथ अपनी साधना संपत्ति को भी एकत्र करते रहना है और एक दिन निश्चय ही परम गति की प्राप्ति हो जाएगी इस उद्देश्य से हम बढ़े आगे अच्छी बात है लेकिन कई बार लोग करते हैं जबरदस्ती और फिर हताश होकर छोड़ देते अरे मुझसे नहीं हो रहा कई बार लोग विचलित हो जाते हैं मुझे तो कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा विचलित होकर छोड़ देते हैं कुछ लोग मोहित हो जाते हैं अरे जब भी बैठते हैं तो पीठ में दर्द कमर में दर्द पैर में दर्द अरे ठीक है सोफा पे बैठ जाओ जैसे बैठ जाओ लेकिन छोड़ो मत चलाते रहो चलते रहो आगे बढ़ते रहो यही उपाय है दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है सिद्धियों का मोह भी मत रखो बस करते जाओ आगे बढ़ते जाओ सीखो ध्यान योग और अभ्यास में रत हो जाओ चलते बनो आगे बढ़ते रहो यही अनिवार्य है यही जरूरी है तो यह साधन संपत्ति है इसी से बनेगी अगर मुक्ति ना मिली भगवान बहुत ही बड़ा रहस्य हमें समझाकर हमें प्रेरित कर रहे हैं हम सबको मात्र अर्जुन को नहीं छठे अध्याय में जो श्लोक हैं वो इतने रहस्यमयी हैं और जीवन के कई प्रश्नों का उत्तर देते हैं खासकर योग पहले पहला ही श्लोक दे दीजिए कि सन्यासी कौन वास्तव में योगी कौन अनाश्रित होकर जो कर्म फलों के प्रति अनाश्रित होकर जो कर्म कर रहा है वह सन्यासी वह योगी है तो भगवान शुरू से ही रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं और अंत में इसे सभी साधकों को यह कितना व्यक्तिगत है कितना पर्सनल बात है ये पर्सनल समस्याएं साधकों के साथ होती हैं वो कई तरह के भ्रम में पड़ जाते हैं कई तरीके से विचलित हो जाते हैं कुछ लोग कई कारणों से विचलित हो जाते हैं मुंह के वशीभूत तो हो जाते हैं विचलित हो जाते हैं ध्यान योग छोड़ देते हैं अभ्यास बंद कर देते हैं अरे हमसे नहीं हो रहा हमको नहीं समझ में आ रहा छोड़ देते हैं लेकिन फिर यहां पर यह जो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं वो समझने की आवश्यकता अगर वो बात समझ में आ गई तो कभी छोड़ोगे नहीं चलते रहोगे बस बनाए रखिए अभ्यास मन लगे ना लगे जरूर बैठिए कई बार मैं नहीं बोलता आज किसी ने मुझे शायद किसी से चर्चा चल रही थी तो किसी ने कहा कि मन करता है तभी तो बैठेंगे ना मन ना लगे तो फिर बैठने का क्या मतलब जी नहीं ऐसा नहीं है यह ध्यान रखिएगा मन लगे चाहे ना लगे बैठिए साधना संपत्ति बनेगी जैसे एक मजदूर होता है वो काम करता है एक मजदूर काम नहीं करता है काम करता है दोनों ही मजदूर काम करते हैं लेकिन एक मन से काम करता है एक बिना मन के काम करता है एक बोल रहा है कि मन तो नहीं लग रहा लेकिन काम तो करना है तो करेंगे तो दोनों को पगार जो है बराबर मिलती है मन लगा चाहे नहीं लगा काम तो किया ना अगर मन नहीं लग रहा है तो आपने सुना क्या अब तक आपने इस चैनल में क्या सुना अभ्यास भगवान कितना ज्यादा विशेष जोर दे रहे हैं अभ्यास अरे भाई मन की कमजोरी अभ्यास है किसी को तंबाकू खाने में पहली बार में अच्छी नहीं लगती है लेकिन मित्रों के साथ रहते रहते उसकी आदत पड़ जाती है एक अभ्यास हो जाता है फिर वो प्रैक्टिस में चलता है अभ्यास डाल लो आदत बना लो जैसे सोना आदत है जैसे खाना पीना आदत है वैसे ही योग करना भी आदत बन जाए ध्यान योग किए बिना बैठे बिना आपका मन ना माने ना बैठो तो लगे कि भाई आज तो मैं बैठा ही नहीं बेचैनी बनी रहे ऐसा होना चाहिए अगर ना बैठ पाओ एक घंटे डेढ़ घंटे तो मन बेचैन रहना चाहिए कि मैं क्यों नहीं बैठा जैसे कि अगर सुबह नाश्ता नहीं किया नहाया नहीं तो मन बेचैन रहता है कि भाई आज तो मैंने नहाया नहीं बताओ बिना नहाया घूम रहा हूं अच्छा नहीं महसूस हो रहा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा अरे बिना खाए निकल गए कमजोरी महसूस हो रही है वैसे ही अगर ध्यान ना हो अगर एक घंटे की साधना ना हो पाए ध्यान योग ना हो पाए तो आपके मन में बेचैनी होनी चाहिए आपको परेशान होना चाहिए कि अरे क्यों ना ऐसी आदत डाल लो डेली ध्यान योग में बैठने की आदत डाल लो किसी भी परिस्थिति में साधना संपत्ति तो बनेगी ही बनेगी मन लगे चाहे मन ना लगे ठीक है यह नहीं है अगर आप साधना संपत्ति को एकत्र करना चाहते हैं यदि आप चाहते हैं कि साधना संपत्ति आपकी एकत्र हो योग संपत्ति आपकी एकत्र हो उसका बैलेंस बढ़े उसका बैलेंस बने तो ईमानदारी से साधना करने की आवश्यकता है ईमानदारी से ध्यान योग करने की आवश्यकता है अभ्यास करने की आवश्यकता है यह बहाना नहीं चलेगा कि मन नहीं लगा तो फिर क्या बैठे मन लगेगा तो बैठेंगे ये बहाना नहीं चलेगा अगर लाभ उठाना चाहते हैं जितने भी लोगों ने ध्यान योग का कोर्स किया है वो इस बात को गांठ बांध ले समझ ले इस बात को अगर लाभ उठाना चाहे या तो मानिए कि भगवान कृष्ण झूठ बोल रहे हैं क्योंकि तो आजकल कुछ ऐसा भी लोग हैं मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले जो बस वो शास्त्रों पर ध्यान ना देकर वो ध्यान देते कौन से बाबा जी ज्यादा प्रसिद्ध हैं अरे भाई इतनी इनकी प्रसिद्धि है तो भाई इनका कुछ प्रभाव है इन सब हो सकता है कि आज प्रसिद्धि है बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है समय बीतने के बाद बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग समय के साथ उनकी भी प्रतिष्ठा चली जाती है एक समय पर लोग बहुत ध्यान देते थे उन पर ध्यान देना धीरे धीरे बंद भी कर देते हैं समय समय का खेल है आप इन सब चक्करों में मत पड़िए सूत्रों को पकड़िए सूत्रों को पकड़िए प्रकृति के सूत्र क्या हैं प्रकृति के सिद्धांत कैसे काम कर रहे हैं उसका ज्ञान होना अनिवार्य होता है नहीं तो व्यर्थ भ्रमित होने के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है ठीक है सबसे सीखिए जानिए लेकिन यह जो विषय है साधना संपत्ति का जो विषय है यह साधना संपत्ति का विषय समझने योग्य है साधना संपत्ति को समझकर ही हमें चलना चाहिए कि साधना संपत्ति क्या चीज होती है तो साधना संपत्ति जब एकत्र होगी तभी एकत्र होगी जब साधना करोगे करोगे नहीं तो कहां से एकत्र होगी पचास तरह के बहाने बनाओगे तो कहां से साधना संपत्ति एकत्र होगी तो ध्यान योग मन लगे चाहे मन ना लगे आप नियम बनाओ कि आपको बैठना है बैठना है हमें कैसे भी बैठना हमें कैसे भी करना है संकल्पवान बनो इस मामले में और जब अभ्यास अच्छा होगा तो कुछ मिले चाहे ना मिले मुक्ति हो चाहे ना हो मोक्ष हो चाहे ना हो कैवल्य की प्राप्ति हो चाहे ना हो परमानंद मिले चाहे ना मिले साधना के संस्कार तो बनेंगे साधना संपत्ति तो जरूर एकत्र होगी इसमें कोई संशय नहीं है इसमें तनिक भी संशय नहीं है तो और जब ये एकत्र होगी हो सकता है कि दोबारा जन्म हो और उस जन्म में भी ना पूरी हो लेकिन फिर भी संपत्ति बनेगी और एक समय ऐसा जरूर आएगा कि इसी प्रकार योगी परम गति को अवश्य प्राप्त होगा परम गति को अवश्य प्राप्त होगा तो इस मार्ग पर चलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है कोई विकल्प नहीं होता चलना ही एकमात्र विकल्प है ठीक कोई गुरु जी चुटकी बजाकर मोक्ष दे देंगे या वो करेंगे नहीं आप चलोगे तभी कोई आपकी सहायता कर पाएगा नहीं चलोगे तो कौन सहायता कर पाएगा तो साधना संपत्ति के रहस्य को समझिए और साधना संपत्ति जब प्रचुर मात्रा में एकत्र हो जाएगी तो निश्चय ही योगी ज्यादा देर तक इस माया के बंधन में नहीं रहेगा सारे बंधन को तोड़ेगा अपनी इच्छा से और फिर मुक्त हो जाएगा मोक्ष को प्राप्त कर लेगा यह उसकी इच्छा होगी कि भाई इस संसार में जन्म मरण का खेल बहुत देख लिया बहुत आहार निद्रा भय मैथुन कर लिया बार बार जन्म लेना है और आहार निद्रा भय मैथुन इसी में लिप्त रहना है कर लिया हमने बहुत सारा कर लिया अब बस निकलना है कुछ रखा नहीं है चारों तरफ दुनिया में संसार में जीव इन्हीं सब व्यापार में लिप्त है व्यापार से मुक्त होना है बंधन से मुक्त होना है योगी इस बंधन से मुक्त हो जाया करता है मुक्ति को प्राप्त कर लिया करता है तो यही रहस्य भगवान श्री कृष्ण यहां पर समझाने में यहां लगे हुए हैं और हमें इस विषय को निश्चय ही गंभीरता से समझना चाहिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे ध्यान योग के मार्ग पर और जिन लोगों ने भी ध्यान योग कोर्स कर लिया है जो कर रहे हैं वो भी इन सब बातों को बहुत ध्यान से समझें और निश्चय ही आगे बढ़ते रहें कभी साधना मार्ग का त्याग न करें ठीक है चलिए तो यही विषय आज का साधना संपत्ति का यह रहस्य हमने समझा और योगी को परम गति कैसे प्राप्त होती है इस विषय पर हमने चर्चा की तो आगे हम आपके कुछ कमेंट्स क्योंकि बीच में डिस्कनेक्शन हो गया था तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स तो अभी आया ही नहीं है शायद आपने किया होगा लेकिन चैट डिसेबल हो गया था फिर भी जो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं मैं उनको जरूर चर्चा में लूंगा ए के त्यागी जी नवज्योतिनाथ जी शंकर प्रसाद जी शिखर शर्मा जी बबीता धीमान जी रतन सिंह जी योगेश खैरनर संतोष कुमार श्वेता राय सिन्हा जी बहुत अभिनंदन है आपका अबनी प्रधान जी गोविंद प्रसाद नीमा जी सविता नायक जी अवधेश कुमार जी रामविलास जी बहुत अभिनंदन है आप सभी का नत्थू सिंह जी अमित शर्मा जी क्या मोक्ष के बाद भी व्यक्ति का अस्तित्व रहता है यानी कि व्यक्ति का अभिव्यक्ति रहती है जी नहीं रह सकती अमित शर्मा जी नहीं रह सकती है फिर मोक्ष का कोई मतलब नहीं है और जिसको अपनी अभिव्यक्ति बनाकर रखने की इच्छा है उसका कभी मोक्ष नहीं होता चाहे कितनी भी साधना कर ले ये भी ध्यान रखिएगा जिसकी आसक्ति अभी अहंकार में है व्यक्तित्व में आसक्ति होना मतलब अहंकार में आसक्ति होना जो अपने आप को अहंकार संपन्न बनाकर रखना चाहता है उसके लिए मोक्ष है ही नहीं उसके लिए मोक्ष नहीं होता इसीलिए तो मैंने कहा अभी बोलते हुए कि अपनी इच्छा से मोक्ष होता है इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि भाई तुम ही अपना कल्याण कर पाओगे क्योंकि तो जब तक तुम्हारे अंदर मोक्ष की सही इच्छा नहीं होगी तब तक तो संभव नहीं है तो वहां पर व्यक्ति और व्यक्तित्व का कोई मतलब नहीं है क्योंकि व्यक्ति रहेगा तो अहंकार रहेगा अविद्या रहेगी और अहंकार और अविद्या रहेंगे तो राग और द्वेष होगा अभिनिवेश होगा राग द्वेष अभिनिव अभिनिवेश रहेगा तो लोभ मोह काम क्रोध रहेगा ये सारी चीजें रहेंगी फिर भोग भी रहेगा फिर रोग भी रहेगा बीमारियां भी रहेंगी संसार का सारा व्यापार फिर रहेगा ही रहेगा ठीक है तो जब तक इस संसार से लेश मात्र भी आ सकती है यहां तक कि लोक कल्याण की भी आ सकती है तो भी व्यक्तित्व रहेगा और मोक्ष संभव नहीं होगा उस अवस्था में लेकिन जहां मोक्ष संभव होगा वहां व्यक्तित्व बनाए रखने का कोई मतलब ही नहीं है ठीक है तो इसीलिए मैं ये विषय पहले भी कुछ लोगों ने प्रश्न किया उनको बता दिया भाई मेरी ही इच्छा नहीं हो रही है कि मैं ब्रह्मलीन हूं या मैं इस व्यापार से मुक्त हूं व्यक्तित्व को बनाए रखना मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति चाहता है कि मेरी पहचान बनी रहे कहीं ना कहीं यह वासना लिप्त है तो फिर मोक्ष की कोई संभावना वहां पर नहीं रह जाती है फिर ठीक है तो यह हमें समझना होगा तभी जाकर कोई लाभ है तो इसीलिए यह तभी है जब तक बातों और तर्कों में लिप्त रहेंगे तब तक कहां से कुछ समझ में आने वाला है या होने वाला है जब तक नैसर्गिक इच्छा नहीं होगी तब तक दिक्कतें हैं सतीश कुमार जी रामनिवास मीना जी विनोद केसूद जी फनी वीडियोस रूपलाल विश्वकर्मा जी कन्हई कुमार जी रामविलास जी बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का आगे के कमेंट्स चैट डिसेबल होने के कारण शायद बीच में डिस्कनेक्शन हुआ था आज तो चैट डिसेबल होने के कारण आगे के जो कमेंट्स हैं वो मुझे प्राप्त नहीं है तो इसी तरह से हम अभ्यास एक विधिवत अभ्यास तो भगवान कृष्ण बता ही रहे हैं कि जरूरी है लेकिन एक विधिवत सिस्टमैटिक वे में सरलता से अगर आप किसी प्रकार का ध्यान योग आदि नहीं करते हैं तो सिस्टमैटिक वे में वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान करते हुए कि कैसे हम ध्यान में सही तरीके से उतरें और ध्यान का हम पूरा पूरा लाभ उठा सकें इस उद्देश्य से ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स चलता है और यह ऑनलाइन कोर्स जो है 20 फरवरी से शुरू हो रहा है यह जो ऑनलाइन कोर्स है वह 20 फरवरी से शुरू हो रहा है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इसकी ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी और अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नाइन सिक्स सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन पर आप संपर्क करेंगे ठीक है इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और व्हाट्सएप मैसेज कर, कर आप संपर्क कर लीजिए पता कर लीजिए कि यह कोर्स कैसे आगे बढ़ेगा इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है ठीक है पता कर सकते हैं और ज्वाइन कर, कर इसका लाभ उठा सकते हैं सिस्टमैटिक वे में ध्यान योग की पद्धति कैसे हमें उस गहरे ध्यान में उतरना है शून्य की अवस्था में उतरना है और अपने जीवन को कैसे संयमित करना है संतुलित करना है ध्यान योग के माध्यम से यह सारा विषय इसमें होगा और कई दिव्य अनुभूतियां जब हम दिव्यता से जुड़ जाते हैं तो कई दिव्य अनुभूतियों से जुड़ जाते हैं दिव्य मतलब इंद्रियों के परे होने वाली कई अनुभूतियों से हम जुड़ जाते हैं जब हम ध्यान योग करते हैं जब हम ध्यान योग करते हैं तो ध्यान योग का अभ्यास आप शुरू कर पाएं अपने जीवन में और ध्यान योग हमें मोक्ष मिलेगा हमें ईश्वर प्राप्ति होगी वह सब तो उसका अंततः लक्ष्य है लेकिन सर्वप्रथम हमारा जो वर्तमान जीवन है उसको संतुलित रखने के लिए ध्यान योग बहुत ही जरूरी है आज के समय में नहीं तो मनुष्य मानसिक रोगों से ग्रसित मानसिक व्याधियों से ग्रसित मन का असंतुलन बहुत झेलता है बहुत झेलता है लेकिन यदि उसे सही रास्ता या सही मार्ग मिल जाए तो वह अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीना सीख जाएगा तो ध्यान योग सर्वप्रथम तो हमें अच्छे ढंग से जीवन को जीने में सहायक है एक एकाग्रता का विकास हो जाता है एक गंभीरता का विकास हो जाता है एक परिपक्व विचारधारा और एक मन की परिपक्वता विकसित हो जाती है जिससे कि हमें संसार के कर्मों में या संसार के कार्यों में भी बहुत सहायता प्राप्त होती है हार्मोनल बैलेंस भी बनता है ध्यान योग से तो हमें इन सब बातों को समझकर एक बेहतर जीवन जीने के लिए भी ध्यान योग का बहुत महत्व है और वर्तमान समय में जैसे मानसिक रोगों की वृद्धि हो रही है उसमें और भी अधिक महत्व है इसलिए जरूर इसका लाभ उठाएं ध्यान योग के ऑनलाइन कोर्स का और इसी के साथ साथ में प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स चलता है यह भी ऑनलाइन ही चलता है प्राकृतिक चिकित्सा बिना दवा के बिना औषधियों का प्रयोग किए प्राकृतिक क्रियाओं को समझते हुए प्राकृतिक नियमों को समझते हुए हम कुछ ऐसी क्रियाओं को करते हैं जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ हो और शरीर के विकार दूर हो जो विजातीय द्रव्य हैं जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो दूर हों उसके लिए अभ्यास किया जाता है ठीक है तो निश्चय ही आप इन सभी कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं यह सारा ये चैनल इसीलिए चलाया जाता है जिससे कि लोगों का जीवन बेहतर हो बेहतर जीवन वो जी सके तो चलिए इसी के साथ हम विराम देंगे आज और भी कुछ नए कोर्स भी इंट्रोड्यूस होने वाले हैं बहुत जल्द हम बहुत सारे लोग जो विदेश से हैं अमेरिका से हैं कनाडा से हैं ऑस्ट्रेलिया से हैं इंग्लैंड से हैं जर्मनी से हैं यूरोप से हैं जहाँ से भी आप हैं जो बाहर के लोग हैं मतलब भारतीय परिवेश में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं और उनकी जो संतानें हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी भारतीय परिवेश में उनका जन्म भी नहीं हुआ है वो वहीं पर बढ़ रहे हैं बड़े हो गए हैं युवा अवस्था को प्रवेश कर गए हैं में प्रवेश कर गए हैं लेकिन वह सनातन धर्म को अच्छे से नहीं जानते हैं या भारतीय दर्शन को या सनातन धर्म को सनातन धर्म कैसे बाकी रिलीजियस सेक्ट से डिफरेंट है सनातन धर्म कैसे बाकी रिलीजन से अलग है और सनातन धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है बेसिक टीचिंग्स क्या हैं जो नहीं जानते हैं उनके माता पिता चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी सनातन धर्म के बारे में जाने और उनको क्योंकि वो विदेश के माहौल में रह गए वो अमेरिका के संस्कारों में पले बढ़े विदेशी संस्कारों में आगे बढ़े तो उनको पूरी तरह से चलो एक होता है जो भारतीय परिवेश में रह रहा है उनको कुछ बातें बताना समझाना एक अलग विषय होगा लेकिन ऐसे युवाओं के लिए ऐसे टीनेजर्स के लिए और यूथ के लिए हम जल्दी ही एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिनका पालन पोषण विदेशों में हुआ है अमेरिका में वो रह गए या फिर इंग्लैंड में रह गए और वो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति या भारतीय या सनातन धर्म की जो थॉट्स हैं जो विचार हैं उससे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं उनके लिए एक बहुत ही जल्दी हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं वो कोर्स जल्दी ही हम लाएंगे और उस पर भी कार्य चल रहा है तो वो भी आपको प्राप्त होगा लेकिन यह कोर्स विशेष रूप से जो हम कहते हैं एनआरआईज जिनको हम कहते हैं एनआरआई शब्द यूज होता है इसलिए मैं कह रहा हूं लेकिन कोई मुझे यह शब्द बहुत अच्छा नहीं लगता एनआरआई वगैरह जो भी अपने ऐसे भारतीय और हिंदू समाज के या फिर कोई भी भारतीय ना भी हो कोई विदेशी मूल का ही हो बिल्कुल और वो सनातन धर्म को अगर समझना चाहता है बिल्कुल नया है वो उसको कोई इंट्रोडक्शन नहीं है सनातन धर्म का या बहुत ही इंट्रोडक्शन uh, है तो नेगेटिव इंट्रोडक्शन है शायद या बहुत ही माइनर बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि हाँ भाई चलो थोड़ा सा दिया जला लिया पूजा कर लिया थोड़ा मंत्र पढ़ लिया दिस इज द सनातन धर्म कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन है या कुछ ये सिनेमा वाले जो धर्म को जिस तरह से प्रस्तुत करते हैं सनातन धर्म को हिंदू धर्म को ये सिनेमा बॉलीवुड वाले जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं वहां से लोग कुछ लोग परिभाषित करते हैं सनातन धर्म को तो बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी फिर तो एक मिसकंसेप्शन जाता है बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जैसे कि फ्रांस के एक मैगजीन ने पीछे छापा था जब कोरोना से बहुत सारे लोग 2021 में मर रहे थे तो मैगजीन ने छापा था कि 33 करोड़ गॉड्स बट नो वन इज सेविंग हिंदूज हिंदुओं की कोई रक्षा नहीं कर रहा तैतीस करोड़ इनके देवी देवता हैं फिर भी कोई इनकी रक्षा करने नहीं आ रहा व्हाट इज दिस क्या है कितना आयरनिकल है क्यों क्योंकि उनको पता ही नहीं कि धर्म क्या है देवता किसे कहते हैं ये दे डू नॉट नो कि देवता किसे कहा जाता है देवता की अवधारणा क्या है हमारे शास्त्रों में दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे हिंदू समाज में जो हिंदू बनकर भारत में रह रहे उनको नहीं पता तो आप उनको तो छोड़ ही दीजिए ठीक है तो चलिए एक ऐसा प्रयास है एक ऐसा कोर्स हम जरूर लॉन्च कर रहे हैं जल्द ही आपको इसके लॉन्चिंग और इसके ज्वाइनिंग की सूचना मिलेगी कि कैसे हमें ज्वाइन ज्वाइन करना इस कोर्स कोर्स को को लेकिन उस को ज्वाइन करने के लिए एक नियम होगा कि आप भारतीय भारत के नागरिक नहीं होंगे सिटीजनशिप आपके पास इंडिया की नहीं होगी तभी आपको वह कोर्स दिया जाएगा या आपको प्रूफ करना पड़ेगा भाई आप सनातन धर्म को नहीं समझते हैं हाँ अगर आप भारतीय हैं तो दूसरे बहुत सारे कोर्स हैं फिलोसफी कोर्स चल रहा है दर्शन कोर्स चल रहा है आप ज्वाइन कीजिए ठीक है बाहर से भी कई लोगों ने ज्वाइन किया है इस कोर्स को फिलोसफी कोर्स को अमेरिका से भी लोगों ने ज्वाइन किया ऑस्ट्रेलिया से भी लोगों ने ज्वाइन किया है तो वो आप ज्वाइन कीजिए लेकिन जो एक और कोर्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं विशेष रूप से उन बच्चों के लिए उन युवाओं के लिए जो कि वैसे संस्कार में पले बड़े हैं और बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं सनातन धर्म से तो उनके लिए हम जो है ऐसे कोर्स की लॉन्च करेंगे तो विशेष रूप से वो कोर्स होगा और उसकी भाषा शैली भी निश्चय ही इंग्लिश होगी अंग्रेजी में होगी फिर उसमें चलेगा तो उस कोर्स की भी कुल जैसे लॉन्च होता है तो अब यदि आप अमेरिका में रहते हैं तो आप ऐसे युवाओं को उस कोर्स से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो चलिए इसी के साथ मैं विचारों को विराम दूंगा और कल फिर मिलते हैं नाइन पी लाइव चर्चा में बहुत बहुत आभार आप सभी का ओम तत्सत